दांव पर लगी थी एक जिंदगी, डॉक्टर कर रहे थे एक दिल का इंतजार, फासला था 23 किलोमीटर का, वक्त था 20 मिनट का, ट्रैफिक था दिल्ली का। नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर एक दिल का इंतजार कर रहे थे। किसी और का दिल किसी और को लगाना था। रास्ता 23 किलोमीटर का था और वक्त सिर्फ 20 मिनट का था। ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल वक्त पर पहुंचाकर एक जिंदगी बचा ली। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हार्ट ट्रांसपोर्ट किया गया, ताकि मरीज को जल्द से जल्द दिल लगाकर उसकी जान बचाई जा सके। कुछ सेकंड्स की देरी भी उस मरीज से उसकी जिंदगी को छीन सकती थी, इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज था दिल का सही वक्त पर अस्पताल पहुंचना। इसी को देखते हुए सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर ओखला के फोर्टिस अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इस ग्रीन कॉरिडोर की मदद से एयरपोर्ट से अस्पताल की 22.5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 19 मिनट 5 सेकंड में तय कर ली गई। न्यूज एजेंसी एनआई ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीजों की जान बचाई गई है। ये पहला मामला नहीं है जब ट्रैफिक पुलिस की मदद से ऐसा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया हो और सही समय पर ह्यूमन ऑर्गन अस्पताल पहुंचाया गया हो। अभी हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मुहैया कराई थी। तब ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 31 किलोमीटर की दूरी 31 मिनट में ही तय की थी। इससे पहले 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने ह्यूमन ऑर्गन ले जाने के लिए पालम हवाई अड्डे से धौलाकुआ में RR अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। पुलिस ने 5.8 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट और 10 सेकंड में तय कर ली थी। दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीजों की जान बचाना सच में काबिले तारीफ है।